इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जनक जी कुछ अन्यथा बोल गए, रघुवंशी के रहते जनक जी को संकोच हुआ। मेरी माता जानकी जी प्रसन्न हो गई, मुनि लोग जो गुरुदेव के साथ आए थे मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उनको आनंद हो रहा है। हरि भगवान के अंदर कोई गति नहीं। परमात्मा ने नेत्रों के इशारे से धीरे से कहा लखनलाल से, सयन ही रघुपति प्रेम समेत बैठा। तब शुभ समय जानकर, किस बात के लिए शुभ समय? अतो धनुष भंग के लिए शुभ समय, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी। कोई भी कार्य करना हो जो ज्योतिषी विचार पंचांग से अवश्य करना चाहिए, साहित्य से सुतार भला अच्छी बात नहीं। आजकल यजमान लोग पुरोहित जी के यहां जाते हैं तो मुहूर्त नहीं पूछते हैं, महाराज ऐसा करो मंगल का मुहूर्त निकालो। पंचांग तो अरे बाप कहेगा, मंगल का निकालो, शनिवार का मुहूर्त महाराज निकालो। अरे भद्रा है दिन भर। अरे महाराज भद्रा वद्रा क्या होता है, ये सब तो लगा ही रहता है, आदरा है भद्रा है सब लगा ही रहता है। आप शनिवार को निकालो, कहे हमार छुट्टी बा। और बाद में कहा कहीं कुछ हो जाए तो हम पंडित जी से मुहूर्त पूछे, पंडित जी कहाँ चलाओ। अच्छा है कि पंडित जी हमारे स्ने है, तो भद्रा उतार दिए पूरा। मुहूर्त जब भी पूछिए तो आचार्य को स्वतंत्र रखिए। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत कुंडली विचार किए लेकिन पति पत्नी का खटपट बंद नहीं भया, 36 गुण मिला था, 36 पर नहीं बना था, 21 पर बना था, 36 पर नहीं बना था, गुणे 36 होते पूरा। स्वतंत्र करिए, गुरु जी ने क्या कहा, विश्वामित्र बोले अति स्नेहमय बानी। क्या बोले, उठो राम वरुण बचापा, जनक मरि थापा, सुनियो राम वरुण परमात्मा आगे चले, ठाकुर आगे बढ़े। सीता मैया का प्रेम स्नेह, सुनैना माँ का संशय समाधान, गणेश भगवान से प्रार्थना, प्रेम मंत्र का जप, लक्ष्मण जी की सावधानी, भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष देव को भगवान ने प्रणाम किया, शिव जी का बिना शिव जी को प्रणाम किया इष्ट देव। हरि भगवान ने कन्फ्यूज से मां को देखा, मां के प्रेम को भाव में उतारा, माता पिता श्रेष्ठ जनों का वंदन किया, परमात्मा ने धनुष के केंद्र में हाथ रखा, उठा लिया। छोर से नहीं, छोर से नहीं।
बोले छे बाबा बोले व्याप्त हो गया भर भुवन घोर कठोर रव। सूर्य भगवान जैसे बाल लीला दर्शन करने आए थे, विवाह लीला का पहला प्रसंग दर्शन करने आए थे, सूर्य भगवान इतने घोर में कि घोड़े दिशा भूल गए। भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तनि मार अब चले जा रहे थे, पूरब चले जा रहे चिक रहे दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे। देवताओं ने कान बंद किया, मुनिगणों ने देखा सुना क्या भया, बाबा कहते को दंड खंडे बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। में बाबा ने लिखा दिग्गज और भी क्या भया पूरा ब्रह्मांड घूम गया। और बाबा ने इतना कहा प्रभु जो चाप देख लोग सब मोदी तक कहां ही जहां तह नर जो राम राम जी ने भगवान शिव के पिनाक को भंजन कर दिया। देखिए तोड़ने में भंजन में अंतर है, तोड़ते अटुक पुटुक गया, भगवान ने ऐसा भंजा कि उसका खंड जोड़ने लायक नहीं रह गया। भगवान ने ऐसे तितर बितर कर दिया तोड़ करके। अब सदानंद जी महाराज ने सखियों से कहा जयमाल लेकर के बिटिया रानी को सन्मुख ले चलिए। पहुंच गई सखियां, लाला खड़े हैं, जयमाल लाला की हाइट थोड़ी अधिक है, ललित थोड़ी छोटी है। सखियां मनाती है झुके जइयो
लला जी एक बार लली मारी छोटी सी जुग जइयो लला लई एक बार जिसकी मोरी छोटी सुनियो विनय प्रभु चुके माला लिए जो चनलाभ सकिन अमीजे हमें गावे हमें आए हम गावे समंगल चार किशोरी मुरी छोटी की जयो ललगी एक भार सनमत पहुंची सखिया मनाती हैं। अरे चतुर सखी लखी कहा बुझावी सुनत जुगल कर माल प्रेम विवश छवि देख कर सखिया गा वही छवि अवलोक सहेली जयमाल राम तब पुरी अरुगो इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।